मैजी लावल सबके निकलेंगे, ठीक है लावल सबके निकलेंगे। हेलो यूनिक, व्हाट इज अप अक्षय भाई, क्या हाल है, क्या लगता है गोल्ड क्वालिफाइन बीजीएस 2024 फाइनल्स वाचिंग 300 के पॉसिबल? अरे तुम लोग इतना वाचिंग का क्यों करते हो रे बाबा, मुझे सच्ची में नहीं समझ में आता भाई, क्यों करते हो ये सारी चीजें? आराम से बैठ के मैचेस देखो, कितने शानदार मैचेस चल रहे हैं, क्या नई नई टीमें आती हैं भाई, कितना सेक्सी खेलते हैं वो लोग, क्या मार रहे होते हैं वैसा। ये कंपटीशन ही नहीं है टीवन के लिए, उनके लिए मिठाई यहाँ बट रही हैं, ये तो दिक्कत है। उन अंडर गॉड्स को समझना चाहिए ना कि भाई लॉबी में अगर कोई नोन टीम है तो आपको ऐसे बच बच के भागना नहीं चाहिए, इंस्टेड कि आपको फाइट लेना चाहिए। वही काबिलियत आपके अंदर है, वही काबिलियत उनके अंदर है, बस दिक्कत है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है और उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, और आवाज नहीं आ रही है। मैं कुछ और बोल रहा था मैं ये कह रहा था कि वो एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप फाइव चिकन डिनर लो। अरे मैं दूसरे का चैट पढ़ के अपनी बातों को क्यों कट कर दे रहा हूँ, कास्टिंग में भी ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन की ही तो कमी होती है ना, तो बस यही दो चीज है मुझे लगता है कि भाई मार मार के खेलो यार, मार मार के खेलो बस इतना है और कुछ नहीं, मार मार के खेलो बस इतना है और कुछ नहीं। लेकिन अच्छा भी तो हो रहा है ना, टीएन सबको दिखा रहे कि, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक वो लोग खेलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, तो एकदम ऐसे चलो मारो वैसा। इस पूरे कम्युनिटी में रह के अब तक का सबसे यूजलेस एक्सक्यूज या फिर जो भी तुम कह लो वो मैंने सुना है, सच बता रहा हूँ, कि हमारे प्लेयर की तारीफ मत करो नहीं तो बाकी प्लेयर डिमोटिवेट हो जाएंगे और झगड़ा हो जाएगा हमारे प्लेयर। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का डर है, अगर निंजा की तारीफ हर कोई कर रहा है तो आपको डर किस चीज़ का है? डर इस चीज का है कि वो प्लेयर सच में अच्छा खेल रहा है और सारे लोग उसका नाम ले रहे हैं, इस चीज का डर है? सारा नाम फेम निंजा लेकर जा रहा है कि आपको इस चीज का डर है? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा निंजा को लाइव स्ट्रीम पर आते और बोलते हुए कि भाई मेरी तारीफ इतनी मत किया करो, मेरे टीममेट डिमोटिवेट हो रहे हैं। डर किस चीज का है मैं वो समझना चाहता हूँ। निंजा की तारीफ से प्लेयर्स को खुश होना चाहिए कि यार हमारे प्लेयर की इतनी तारीफ हो रही है, इतना अच्छा वो खेल रहा है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है। वहां पर एक मेरी गलती थी कि मैंने बोला कि भाई निंजा एक तरफा खेल रहा है, अगले दिन ही मैंने वीडियो बना के क्लियर कर दी कि वो एक तरफा नहीं खेल रहा है, और उसके बाद अगले दिन ही आप लाइव स्ट्रीम पर आते हो फिर से वही सारी चीजें चालू हो गई कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, फिर आपके प्लेयर आते हैं फिर वही सेम चीज रिपीट करते हैं। उस वीडियो में ही तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि भाई मेरी गलती, मैंने वो चीज गलत बोली जहां मैंने बोला कि भाई निंजा जॉर्ड डिकैथलॉन अकेले खेल रहा है और सब। गलती मानने में कभी बुराई होती ही नहीं है, आप गलती मान सकते हो, अगर आपकी गलती है तो आप मान लो। और बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही एक चीज कह के गए हैं कि जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो ना तो सबसे कम बोलो, सबसे कम वक्त पलटने में।